हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही यम्मी, दानेदार और मॉइस्ट मिठाई बनाने जा रहे हैं, जो है मोहन थाल। ये मिठाई इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। इस मिठाई को हम एक ट्रेडिशनल तरह से बनाएंगे और इसमें हम दूध और मलाई का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इस मिठाई का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, शाखा मामा शेफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए ये डिलिशियस सी दानेदार मिठाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में 2 कप बेसन डाल रहे हैं। पहले 1 कप बेसन डाल के उसे अच्छे से छान लेंगे और फिर 2 कप बेसन डालेंगे और उसे भी छान लेंगे। छानने से बेसन में गुठलियां नहीं रहेंगी। बेसन को अच्छे से छानने के बाद अब हम उसमें 3 टेबलस्पून देसी घी डाल रहे हैं। ऐसे ही हम इसमें 3 टेबलस्पून दूध डाल रहे हैं और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दूध और मोइन पूरे बेसन में चारों तरफ अच्छे से लग जाए। इस तरह उंगलियों से दबा दबा के मिक्स करेंगे पहले, और फिर ऐसे पाम्स के साथ भी दबा दबा के मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस तरह पाम्स के साथ दबा दबा के मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करने से मिठाई बहुत दानेदार बनेगी। इसे दाब देना भी कहते हैं और इससे बर्फी का टेक्सचर बहुत दानेदार आता है। देखिए मिक्सचर कितना दानेदार बन गया है। अब हम इसे ऐसे दबा कर कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फिर से इस तरह बिखरा देंगे और थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक बार और छाननी में छान लेंगे, जिससे कि मिक्सचर और भी ज्यादा दानेदार हो जाए। देखिए दाना दाना अलग दिख रहा है। इसी तरह पूरे मिक्सचर को हम छान लेंगे और मिक्सचर को और भी ज्यादा दानेदार बना लेंगे। इस प्रोसेस को आप मिक्सर में भी कर सकते हैं, एक पल्स मोड में, बस ऑन ऑफ करके। ज्यादा नहीं करना, नहीं तो मिक्सचर फिर से प्लेन हो जाएगा। तो सिर्फ एक पल्स में ही करिए। देखिए दाना दाना अलग दिख रहा है। मिक्सचर कितना दानेदार हो गया है। अब 1/2 कप देसी घी हम पैन में डाल रहे हैं और बेसन के मिक्सचर को भी हम घी में डाल देंगे। घी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेसन जल सकता है। भी फ्लेम मीडियम पर है। 2-3 मिनट के करीब पकाने के बाद हम फ्लेम को हल्का कर देंगे और पैलेट हिलाते हुए इसी तरह बेसन को पका लेंगे। हम इसे करीब 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि बेसन हल्का ब्राउन ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। जैसे जैसे बेसन भुनेगा, वो अपने अंदर से घी रिलीज करने लगेगा। अगर आपको बेसन ड्राई लग रहा है तो आप 1 टेबलस्पून और घी ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर को आप जो फूलता हुआ देख रहे हैं, वो मिक्सचर में दूध डालने की वजह से है, जो हमने मिक्सचर को मिक्स करने के टाइम डाला था। मिक्सचर को हल्की आंच पर भूनते हुए हमें करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब मिक्सचर लूज हो गया है, मिक्सचर ने घी रिलीज कर दिया है। ऐसी स्टेज में हम 2 टेबलस्पून दूध और 2 टेबलस्पून मलाई डाल रहे हैं। आप चाहें तो आप सिर्फ 4 टेबलस्पून दूध, मिल्क पाउडर या फिर खोया भी डाल सकते हैं। दूध और मलाई डालते ही आपको मिक्सचर इस तरह फूला हुआ दिखेगा, इसलिए आप एक साथ दूध और मलाई मत डालिए, 2-2 टेबलस्पून करके ही डालिए। इसे हम हल्की आंच पर तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि ये सारा दूध और मलाई मिक्सचर में अब्सॉर्ब ना हो जाए और मिक्सचर ड्राई हो जाए। 2 टेबलस्पून दूध और मलाई हमने पहले डाली थी। अब थोड़ा पकाने के बाद हम फिर से 2 टेबलस्पून दूध और मलाई डाल रहे हैं और फिर से पकाएंगे। देखिए मिक्सचर फिर से फूल रहा है। इसे हम इसी तरह पकाते रहेंगे जब तक कि मिक्सचर ड्राई ना हो जाए।
मिक्सचर की भुनाई हो चुकी है और मिक्सचर अब ड्राई हो चुका है। कलर चेंज हो चुका है और खुशबू भी बढ़िया आ रही है। हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर रहे हैं और पैन को गैस स्टोव से नीचे उतार रहे हैं। पैलेट को हम 1-2 मिनट के करीब चला लेंगे क्योंकि पैन बहुत गर्म है, और फिर बस इसको साइड में रख देंगे। अब हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। हमने 1 कप बेसन लिया था, इसलिए हम 3/4 कप चीनी डाल रहे हैं। चीनी आप थोड़ी कम ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल रहे हैं और उबाल आ जाने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे एक तार की चाशनी बनने तक। थोड़ी सी चाशनी ऐसे ठंडी करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए, एक तार की चाशनी बन रही है। एक तार की चाशनी चेक करने का एक और तरीका है, अगर इस तरह बूंद लंबी या धीरे गिरे, मतलब एक तार की चाशनी तैयार है। अब हम गैस को बंद कर रहे हैं। अब जो बेसन का मिक्सचर हमने अलग रखा था, उसमें हम 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डाल रहे हैं और मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर में अब हम एक तार की चाशनी ऐड कर रहे हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा, मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। अगर आप चाहें तो 1 मिनट के करीब गैस स्टोव पर इसे पका सकते हैं। देखिए, इस तरह ये हलवे की शक्ल में बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा, ड्राई होता जाएगा। अब हम गैस स्टोव को बंद कर रहे हैं। मिक्सचर को हमने ड्राई कर लिया है और अब एक पैन को हम अच्छे से ग्रीस कर रहे हैं। आप कोई भी पैन या फिर टिन ले सकते हैं। मिक्सचर को अब हम इस पैन में डाल रहे हैं। आप अगर और ड्राई करना चाहें तो थोड़ा और पका सकते हैं। इसे हम चारों तरफ से लेवल कर लेंगे। इसमें हम कुछ चॉप बादाम और चॉप पिस्ता डाल रहे हैं। इसे हम फिर से लेवल कर लेंगे और 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा सेट होने लग जाए, आप कह सकते हैं करीब 1/2 घंटे तक, हम इसे पीसेस में काट लेंगे, ऐसे मार्किंग कर लेंगे और फिर से रूम टेम्परेचर में 1/2 घंटा सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, मोहन थाल सेट हो चुकी है और तैयार है। ये मिठाई आप जरूर बना के ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपको बेहद पसंद आएगी। ये बहुत ही स्वाद बनती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। इसी तरह की बढ़िया से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। मोर इन आर अपकमिंग वीडियोस, शाखा मामा शेफ देखते रहिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।